नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रांतीय आह्वान पर मध्य प्रदेश के प्रांतीय ब्लॉक मुख्यालय पर पुराने पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन सौंपा गया। इसी कड़ी में अपाक्स एवं ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन जिला अध्यक्ष अतिक खान एवं ब्लॉक अध्यक्ष विष्णु ठाकुर के नेतृत्व में अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन विष्णु ठाकुर ने किया। इस अवसर पर अतिक खान ने कहा कि कर्मचारियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार पुराने पेंशन बहाल करे। इस अवसर पर सचिन मालविका गोयल ने कहा कि सरकार नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पुराने पेंशन बहाल करे। इस अवसर पर विभिन्न संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। शासन की जो एनपीएस योजना चल रही है उसको बंद करके पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल करने के लिए आज हमने हर ब्लॉक लेवल पर हमारे द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में यहाँ पर भी खरगोन तहसीलदार महोदय को हमारे द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन दिया गया। पहले भी आपने आवेदन दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हमारे द्वारा लगातार हम प्रयासरत हैं और जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इसके पश्चात हमारा जिला स्तर पर 16 अप्रैल को पेंशन संवैधानिक मार्च है, क्योंकि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है जिसे शासन ने वंचित किया है। इसके लिए हमारा 16 अप्रैल को जिला स्तर पर पेंशन संवैधानिक मार्च एक निकाला जाएगा और उसमें पुनः ज्ञापन दिया जाएगा। क्या लगता है आपको शासन मान जाएगा आप जैसे ज्ञापन दे रहे हो पुरानी पेंशन बंद होगी? अगर शासन हमारी मांग नहीं मानती है तो फिर हमारे सभी के परिवारों का बुढ़ापे के सहारे का सवाल है, तो अंत में हम मजबूर होकर हम वोट पार ओपीएस का नारा चलाएंगे और जो हमारे को पेंशन देगा उसी को हम लोग मतदान करेंगे। क्या नाम है आप? मैं अतिक खान, जिला अध्यक्ष ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन एवं अपाक्स जिला खरगोन। वरिष्ठता के साथ हमारी पेंशन के लिए हम लोग अभी इकट्ठे हुए हैं और ये आंदोलन 26 तारीख का है। इसके बाद भी यदि शासन नहीं मानता है तो हम आगे फिर मांगें हम पूरी करेंगे। और 16 अप्रैल को हमारा फिर एक और बड़ा आयोजन है जिसमें हम सब शामिल होकर सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारी ओल्ड पेंशन वापस शुरू कर दी जाए। क्या नाम है आपको? मालविका गोयल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।